hello 6th class you all are welcome to my youtube channel today we are going to start the squirrel poem from chapter 3 and your book name is Honey Sakal. yes for 6th class it is a very interesting poem before starting this poem i would like to say you if you have not subscribed my channel then do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for my upcoming videos to relate your syllabus okay एंड बिफोर स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन आई वुड लाइक टू से यू दैट हाउ टू रीड ए पोएम कि पोएम को किस तरीके से हम रीड करते हैं बच्चों पोएम को रीड करने का जो करेक्ट वे है वो मैं आज आपको बताऊँगी पोएम पोएम मीन्स होता है कविता आपने कवि सम्मेलन देखा होगा आपके स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे अच्छे से कविता पाठन करते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है तो कविता को कभी भी पढ़ते नहीं हैं कविता को हमेशा गाते हैं क्लियर ये भी आपको मैं आज क्लियर अच्छी तरीके से बताने वाली हूँ बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन एंड हाउ टू रीड दिस पोएम आई वुड लाइक टू से यू अबाउट द क्वारल क्वारल मीन्स होता है झगड़ा करना और आपका झगड़ा घर में डेली होता है क्योंकि आपके पास भाई बहन है तो आपका झगड़ा आपके भाई बहनों के साथ हमेशा ही होता है और ये बहुत ही प्यारा झगड़ा होता है बचपन का झगड़ा अच्छा होता है बड़ों का झगड़ा अच्छा नहीं होता है क्वारल इट इज कॉमन फॉर ब्रदर एंड सिस्टर इट इज कॉमन टू ब्रदर एंड सिस्टर टू क्वारल भाई बहनों के लिए बहुत ही कॉमन सी बात है कि वो आपस में झगड़ा करते हैं ऑल दो समटाइम्स दे मे नॉट इविन बी एबल टू से वाई दे क्वारल हालांकि कभी कभी वो बताने में भी असमर्थ होते हैं कि वो झगड़ा क्यों कर रहे हैं उनका झगड़ा किस बात पे हो रहा है उन्होंने क्यों झगड़ा करना स्टार्ट किया लेकिन तभी भी उनका झगड़ा हो रहा होता है घर में भी आपने देखा होगा अगर दो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं साल डेढ़ साल के तो वो कभी कभी एक माचिस की तिल्ली के पीछे झगड़ा करने लगते हैं टॉफी के रैपर के पीछे झगड़ा करने लगते हैं टॉफ़ी चॉकलेट नहीं चाहिए होती उनको उनको रैपर चाहिए होता है तो इस तरीके से भाई बहनों का जो झगड़ा किस बात पर स्टार्ट हो जाए कोई भी इस बात को नहीं कह सकता एंड द पोइट ऑफ दिस पोएम इज़ एलिन फर्जियन वो भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को इस पोएम के द्वारा शेयर किया है कि जब उनका भाई के साथ झगड़ा हुआ था तो उनके साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था ये सारी बातें आप इस पोएम में देखने वाले हो एंड बट हाउ लॉन्ग डू सच कॉर्स लास्ट और जो ये लंबे समय तक झगड़ा चल रहा है इसका समापन कैसे होगा ये झगड़ा कब ख़त्म होता है इसको कोई नहीं कह सकता एंड हाउ डू दे एंड और कैसे ख़त्म होगा ये भी कोई नहीं बता सकता कि कब ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा नो वन कैन से अबाउट द कॉरर तो ये बहुत ही अच्छा झगड़ा होता है भाई बहनों का और ये सब का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है तो पोइ जो है इसकी एलिनॉर फेरजियन वो क्या कह रहे हैं देखिए आई कर्ल विद माई ब्रादर आई डोंबाउट मैंने आपको बताया था ना टूडे आई एम गोइंग टू से पोएम सो जो मैंने अभी ये लाइने पढ़ी ये रॉन्ग विद हा किस तरीके से पढ़ना है इसको आई कर्ल विद माई ब्रादर आई डोंट नो वॉट अबाउट वन थिंग लैक टू आन अदर एंड सम हाउ वी फेल आउट The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right. I knew he was wrong. I knew he was wrong. मैंने दोबारा से गा दिया क्योंकि लाइन को गाना नहीं था लेकिन मैंने एक रिदम देने के लिए इसको दोबारा से गा दिया Now let us start the explanation of first paragraph of the quarrel. I quarrelled with my brother. Poet is saying that उसका झगड़ा उसके भाई के साथ हुआ आई डोंट नो वाट अबाउट अपोइट कोई नहीं पता कि उसका झगड़ा उसके साथ किस बात पर हुआ वन थिंग लैक टू अनादर और एक चीज़ जो थी वो दूसरे के साथ क्या थी उन दो आपस में वो किसी बात पर भिड़ गए एंड सम हाउ भी फैल आउट और झगड़ते झगड़ते वो दोनों ही गिर गए आपको पता ही है आप लोगों का झगड़ा किसी पेन को लेके किसी बुक को लेके बैठने क्यों लेके कि आपको यहाँ बैठना है या पंखे के आगे रहना है या कूलर के आगे रहना है इस छोटी छोटी बातों पे झगड़ा स्टार्ट हो जाता है ऐसे ही उन दोनों भाई बहनों का झगड़ा स्टार्ट हो गया किसी बात को लेकर और वो जो है झगड़ा करते करते वो दोनों ही गिर गए द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट बहुत ही मामूली सी बात पर उनका झगड़ा स्टार्ट हुआ था एंड द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रोंग और लेकिन जब झगड़ा ख़त्म हुआ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था किस तरीके से जैसे आपको पता है मैंने कि आप लोग जब झगड़ना स्टार्ट करते हो किसी छोटी सी बात को ले झगड़ा स्टार्ट कर दिया कि पेन मुझे ये वाला चाहिए मैं इस पेन से लिखूँगा और बाद में क्या होता है जब थोड़ी देर बाद आप दोनों एक दूसरे को किक करना स्टार्ट कर देते हो बाल खींचना स्टार्ट कर देते हो हिट करना स्टार्ट कर देते हो तब ये झगड़ा जो है हमारा कैसा हो जाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ही साइड ही वॉज राइट और भाई उसका कह रहा था पोइट का कि वो बहुत वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पर आई न्यू ही वॉज रॉन्ग और लेकिन मुझे पता था मेरा भाई गलत है तो ये आपको क्लियर हो गया नाउ लेट्स सी लास्ट लाइन we hated one another the afternoon turned black then suddenly my brother turned me on the back and said oh come along we can't go on all night i was in the wrong so he was in the right yes वी हेटेड वन एंड अदर अब जब झगड़ा हो गया मारपीट हो गई तो वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घृणा कर रहे थे द आफ्टरनून टर्न ब्लैक जो दोपहर में उनका झगड़ा स्टार्ट हुआ था वो अब ब्लैक हो चुका था ब्लैक से मतलब है रात हो चुकी थी शाम भी बीत गई और रात हो गई अब देन सडनली माई ब्रदर तभी उसके जो भाई होते हैं वो पीछे से आके उसको थम्ड करते हैं धक्का देते हैं पीठ पे एंड सैड और कहते हैं ओ कम अलॉन्ग आओ मेरे साथ कांट गो ऑन ऑल नाइट ये झगड़े के साथ मैं पूरी रात नहीं रह सकता क्योंकि जब झगड़ा करते हैं हम आपस में प्यार भी करते हैं भाई बहन तो वो बहुत समय तक बिना बात किए आपस में नहीं रह सकते इसलिए वो कहते हैं उसका भाई कि मैं पूरी रात इस झगड़े के साथ तुम्हारे साथ नहीं गुजार सकता तब क्या होता है आई वॉज इन द रोंग सो ही वॉज इन द राइट वो कहता है हाँ मैं मेरी गलती थी वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं गलत था तो मैं कहती हूँ हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि उसने ये बात की गलती की इस तरीके से होपफुली आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी आपने इसको बहुत एन्जॉय किया होगा वंस अगेन स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल दैन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय लवली वीडियोज़ लाइक दिस And don't forget to press the bell icon for my coming videos related to your syllabus and grammar. Thank you. Have a nice day.